एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर ऑल क्राफ्ट। आज हम देखेंगे फिर से एक और जैकेट का डिजाइन, जिसके साथ आप जैकेट को फुल जैकेट बना सकते हैं या फिर कार्डिगन भी बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको बॉर्डर पर भी बना सकते हैं। ज़्यादातर है ये जो हम नेक से स्टार्ट करते हैं, जो जैकेट या फिर कार्डिगन बनते हैं, वन पीस में जो जैकेट कार्डिगन बनता है, जो हम नेक से स्टार्ट करते हैं, उसमें इसको ज़्यादा यूज किया जाता है और ये बहुत ही यूनिक सा पीस लगता है। बेसिकली आप इसको छोटी वाला डिजाइन या फिर लीफ पैटर्न भी बोल सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। अगर आपकी कोई पर्सनल कोई डिमांड है कि आप इस तरीके की वीडियो बनाओ तो जरूर कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे। और अगर आप स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करती हैं तो हमारे मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, अपने दूसरे चैनल का अनएमओम बुटीक आप सर्च भी कर सकते हैं, तो उसको भी जाकर आप जरूर विजिट कीजिएगा। वहाँ पर आपको स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे और बहुत प्यारे प्यारे वहाँ पर मैं डिज़ाइन शेयर करती हूँ। तो चलिए वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर जो हमारा डिज़ाइन होगा वो 3 के मल्टीपल में चलेगा। आपने जितनी भी डिज़ाइन को बनाना है, जितनी भी आपकी जैकेट का या फिर आपका जितना भी कार्डिगन जैकेट जो भी आप बना रहे हैं या फिर स्टॉल सॉल में जितना भी बना रहे हैं, उसमें आपको 3 के मल्टीपल स्टिच रखने हैं। तो यहाँ पर मैंने एक वेस रो बना ली है। आपने जो बेस रो बनानी पड़ेगी, अगर आप चैन से स्टार्ट करेंगे तो उतना अच्छा लुक नहीं आएगा। बेस रो बना लें, अगर आप बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो बॉर्डर बना लें, जो भी जैसा भी आप अगर बनाना चाहती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपको डिजाइन बनाकर दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए 3 की चैन बनाई है, जो कि मेरी एज अ डबल क्रोशिया काउंट होगी बल लूंगी मैं। और बल लेने के बाद देखिए 1 और 2 चैन स्किप करके थर्ड वाली चैन में मैं यहाँ पर इस तरीके से डबल क्रोशिया बना लूंगी। अब यहाँ पर थर्ड वाली चैन में मैंने डबल क्रोशिया बनाया है, देखिए आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। इसमें वन चैन आपने स्किप करनी है, सेकंड इस तरीके से, तो जो हमारी बीच में जो हमने टू चैन जो स्किप की हैं, उसके देखिए ये पास वाली जो चैन है, यहाँ पर पास वाली चैन है, इससे हम पफ स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। इस पफ स्टिच को हम 4 टाइम में ओवर करेंगे इस तरीके से। आप अपने अकॉर्डिंग बना सकती हैं, अगर आपकी वूल पतली है तो आप कम बनाएं इस तरीके से। फिर आपने कोई चैन नहीं लेनी है, वल लेना है। और वल लेने के बाद यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाया था, 1 2 स्किप करेंगे, अगेन थर्ड वाली डबल चैन में जाकर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। तो थोड़ा सा ये हमारा इस तरीके से आएगा। अगेन यहाँ पर बल लेकर फिर से हमने इस तरीके से ये रिपीट करना है। तो यही प्रोसेस हमने रिपीट करना है एवरी चैन स्टिच से। देखिए इस तरीके से, देखिए फिर से बताने की कोशिश कर रही हूँ, बल लेना है। बल लेने के बाद यहाँ पर देखिए इससे हमने बनाया था, 1 और 2 स्किप करेंगे, थर्ड वाले में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके से, मैं और आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए इस तरीके से मैंने ये बना लिया है। अब यहाँ से बल लेकर ये जो टू चैन हमारी दिख रही है, इस वाली चैन के यानी जहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाया है उसके पास वाली चैन से हमने इस तरीके से पफ स्टिच क्रिएट करना है इस तरीके से। देखिए मैंने इसको ओवर कर दिया, अगेन यहाँ से हमने बना लिया था, 1 और 2 स्किप करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे। इसी तरीके से आपने जो फर्स्ट रो होगी वो जितनी भी आपकी रो है उतनी आपने ये कंप्लीट करनी है। तो ये यहाँ पर देखते जाइए आप, मैं इस तरीके से कर रही हूँ, वीडियो को मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही हूँ ताकि आपकी इजीली समझ में आ सके। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसमें कुछ डिजाइन में कुछ बनाकर दिखाऊं, आप बहुत सारे कमेंट कीजिएगा, मैं बना के बताऊंगी। और ये भी बताइएगा कि आप क्या देखना पसंद करते हैं, शॉल, स्टॉल, मफलर, जैकेट या फिर कार्डिगन या फिर किसी बेबी के लिए कुछ, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। आप इस डिजाइन को अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से कहीं भी यूज कर सकती हैं। तो इसी तरीके से हमारी ये फर्स्ट रो कंप्लीट होगी। बेसिकली ये जो डिजाइन है वो 2 रो की मल्टीपल में चलेगी। तो 2 रो बनाने के बाद फिर से हमने अपनी जो वेस्ट रो हमने रिपीट की है, वेस्ट रो में मैंने यहाँ पर 24 स्टिच लिए हैं 3
थ्री के मल्टीपल में 24 स्टिच मैंने यहाँ पर लिए हैं, तो 24 ही स्टिच आपकी अगेन टू रो बनने के बाद हमारे पास फिर से 24 स्टिच हमारे पास अगेन हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखें, फिर से वन और टू यहाँ पर बनाएंगे इस तरीके से, यहाँ पर मेरी पफ स्टिच बनेगी, देखिए 1 2 3 एंड 4 टाइम मैंने ओवर कर रही हूँ अपने पफ को, आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकती हैं। अब मेरा 2 चैन स्किप करके लास्ट में जो हमने चैन बनाते हैं उसमें आ गई हूँ, और यहाँ पर मेरा अब ये लास्ट टाइम बन रहा है, ये जो पफ है मेरा वो लास्ट टाइम बनेगा अब इस तरीके से, देखिए इस तरीके से। तो ये कुछ डिजाइन इस तरीके से आपने नज़र आएगी। अब हम अपनी बैक करेंगे डिजाइन को, तो 3 की सबसे पहले हम चैन बनाएंगे। 3 की चैन बनाने के बाद अब देखिए, अब आपको काउंट नहीं करना है, जो यहाँ पर डिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पर जाकर आपने फिर से डबल क्रोशिया बनानी है इस तरीके से। अब डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब वन लेंगे, जो हमारी हमने पफ स्टिच बनाया है इसके टॉप पर जहाँ पर हमने इसको लॉक किया है वहाँ पर हमें एक छोटा सा होल दिखाई देगा चैंस का, उसी में हम इस तरीके से इसको पफ बनाएंगे अगेन, देखिए इस तरीके से। फर्स्ट वाले को आपने थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये कॉर्नर पर है, तो कॉर्नर पर आपको थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम होगी। इसको ओवर करेंगे, अगेन ओवर करने के बाद देखिए फिर से हमारे पास 2 ही चैन होंगी, देखिए 1 और 2, और हम इस वाली चैन में अगेन यहाँ पर अगेन फिर से डबल क्रोशिया क्रिएट करेंगे इस तरीके से, देखिए इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाया। अब वल लेकर, अब यहाँ पर देखिए वल लेकर हमें, देखिए यहाँ पर जो हमें ये चीज़ ये जो हमने यहाँ पर लॉक किया है वो दिखाई दे रहा है, हम यहीं से अपना सेकंड जो पफ है उसको बनाएंगे, यानी सभी रो में अपने सभी पफ्स के अंदर इसी तरीके से करना है, बल लेना है, डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बनाएंगे। अब आपने काउंट कुछ भी नहीं करना है, डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे और देखिए पफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो पफ से हमने इस तरीके से पफ बनाना है। तो देखिए मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसका नज़र आता है लुक, देखिए इस तरीके से, और सभी को एक साथ ओवर करेंगे इस तरीके से। देखिए हमने इधर से जब बनाया था तो हमारे इधर की तरफ इस तरीके से आया था, और इधर से बनाएंगे तो इस तरीके से, तो ये कुछ इस तरीके से लीव पैटर्न आता जाएगा। तो चलिए मैं इस रॉक को पूरा बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस ये इस तरीके से कुछ इसका लुक आता है, फ्रंट साइड इसकी ये है, तो इस तरीके से। अब जब हम बनाएंगे तो हम ये वाला जो सिंगल डबल क्रोशिया का ये जो रो है हमारा बेस रो था, हम इसको अगेन रिपीट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं प्रॉपर बनाकर दिखाऊं या आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकती हैं। देखिए इस तरीके से ये बहुत ही यूनिक सा पीस लगता है, बहुत प्यारे ये डिजाइन लगते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। देखिए इस तरीके से ये थोड़ा डार्क कलर है, उसमें इस तरीके से अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपने बिल्कुल ईजिली यहाँ से, देखिए 3 के मल्टीपल चल रहा है, तो देखिए 1 और 2 और 3 3-3 हमारे यहाँ पर डिजाइन है, सभी से हमने 3-3 1-1 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है, तो 24 स्टिच हमारे पास अगेन हो जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपको लाइट डार्क कलर में समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लाइट कलर में बनाकर दिखाऊंगी। तो चलिए मिलती हूँ फिर किसी न्यू आइडिया न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, हमारे दूसरे चैनल पर ज़रूर विजिट करें।